नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को कानून ने अनेक अधिकार दिए और हर व्यक्ति कानून के सामने समक्ष समान होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति कानून एक नजर से हर व्यक्ति को देखता है और प्रत्येक व्यक्ति को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जी सकता है, पर यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से जीवन जी रहा है कि अन्य को तकलीफ हो रही है, दूसरों को तंग परेशान कर रहा है, यानी उसकी जीवन शैली इस प्रकार है, उसके कार्य करने का तरीका इस प्रकार है कि वह अन्य को, पड़ोसी को या अन्य लोगों को परेशान करता है, तो ऐसी स्थिति में इसे न्यूसेंस कहा जाता है। और आज हम कवर करने वाले हैं लोक न्यूसेंस, ये पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लॉ, दैट इज पब्लिक न्यूसेंस। इसे हम कहते हैं हिंदी में लोक न्यूसेंस अथवा लोक उपता। अभी न्यूसेंस क्या होता है, तो सबसे पहले तो न्यूसेंस को आसान भाषा में यदि हम समझें तो न्यूसेंस मतलब किसी प्रकार से तंग करना, किसी प्रकार से परेशान करना। और तंग परेशान करने के सैकड़ों लाखों हजारों तरीके होते हैं। तो सबसे पहले न्यूसेंस को उपताप कहा जाता है, यानी लीगल अगर हिंदी वर्ड देखें तो उसको उपताप कहते हैं, और सामान्य भाषा में तंग करना या परेशान करना। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी को, किसी व्यक्ति के घर में जाकर तंग परेशान नहीं किया जा रहा है, बाहर ही तंग परेशान किया जा सकता है। जैसे हाई वॉल्यूम म्यूजिक बजाना, सपोज आपके पास में कोई नेबर है, पड़ोसी है जो जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं और वो आधी आधी रात को जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं, जिसकी वजह से आप नींद नहीं कर पा रहे हैं, यू आर अनेबल टू टेक रेस्ट, तो इट इज अ काइंड ऑफ न्यूसेंस। ये भी एक प्रकार का न्यूसेंस है। अब यहां पर उन व्यक्ति ने आपके घर में आके आपको परेशान नहीं किया, वो अपने घर में बैठे बैठे ही परेशान कर रहे हैं, तो न्यूसेंस एक प्रकार से इंक्रोचमेंट होता है आपके कन्वीनियंस में, आपकी सुविधा में, आपके आराम में। एक प्रकार का न्यूसेंस उत्पन्न करना, व्यवधान उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना सुविधा में, स्वास्थ्य में, सुरक्षा में, यानी किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाए, किसी व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, किसी व्यक्ति को कन्वीनियंस यानी आराम में खलल उत्पन्न हो, ये सारी बातें न्यूसेंस कहलाती है। तो सबसे पहले कानून में यदि हम बात देखें तो कानून दो प्रकार की रेमेडीज देता है। कानून में दो प्रकार के आपके पास रास्ते हैं, एक होता है सिविल, यानी एक न्यूसेंस के लिए आप सिविल मामला दाखिल कर सकते हैं, और सिविल मामला दाखिल करेंगे तो उसमें क्षतिपूर्ति क्लेम कर सकते हैं, जिसको मुआवजा कहते हैं। तो कानून में न्यूसेंस के लिए यदि सिविल केस लगाया जाता है तो उसमें क्षतिपूर्ति अथवा मुआवजा मिलता है, यदि क्रिमिनल केस लगाया जाता है तो उसमें सामने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाता है, तो उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। तो न्यूसेंस दोनों कैटेगरीज में आता है, सिविल में भी आता है और क्रिमिनल में भी आता है। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस प्रकार की रेमेडी, यानी किस प्रकार से वो न्यायालय में क्या रेमेडी चाहता है। हम यहां पर लोक न्यूसेंस की बात करने वाले हैं। आईपीसी की धारा 268 में, इन्हें भारतीय दंड संहिता जो हमारे देश का दांडिक कानून है, पीनल लॉ है, उसकी धारा 268 में पब्लिक न्यूसेंस को डिफाइन किया है। पब्लिक न्यूसेंस किस प्रकार बताया गया है, कोई एक्ट और ओमिशन, यानी कोई कार्य अथवा लोप, यानी कार्य करके भी किसी को परेशान किया जा सकता है, नहीं करके भी परेशान किया जा सकता है, हम दोनों बातें देखेंगे। यानी ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति को इंजुरी होती हो, इंजुरी मतलब क्षति होती हो, भले वो आर्थिक क्षति हो, भले वो सामाजिक क्षति हो, शारीरिक क्षति हो, यानी कोई ऐसा कार्य जिससे किसी व्यक्ति को हानि अथवा इंजुरी हो रही है, डेंजर यानी उसका सुरक्षा खतरे में पड़ जा रही है, स्वास्थ्य खतरे में पड़ जा रहा है, एनोयंस यानी किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है, व्यक्ति तंग हो रहा है, परेशान हो रहा है, या वो अपनी ही प्रॉपर्टी का उपयोग नहीं कर पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो रहा है, ना उसको बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ये सब पब्लिक न्यूसेंस कहलाता है। तो सामान्यतः न्यूसेंस जो है दो प्रकार का होता है। यदि काइंड्स फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो न्यूसेंस दो प्रकार का है, एक प्राइवेट न्यूसेंस और एक पब्लिक न्यूसेंस। कई बार ये ओवरलैपिंग भी होता है, कई जगहों पर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं। तो पहले तो प्राइवेट न्यूसेंस समझे, नाम से स्पष्ट है, निजी उपताप या निजी न्यूसेंस। तो ये प्राइवेट न्यूसेंस क्या होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अथवा एक ग्रुप यानी फैमिली ही परेशान हो रही है, आम जनता परेशान नहीं हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मकान में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी आपके पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अब वो कंस्ट्रक्शन होने 24 घंटे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी 2400 घंटे मकान निर्माण कर रहे हैं, तो 24 घंटे मकान निर्माण करने से पड़ोसी के यहाँ पर रोज खटपट की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो नींद नहीं कर पा रहा है। तो ये पब्लिक न्यूसेंस ना होकर प्राइवेट न्यूसेंस है, क्योंकि व्यक्ति अथवा परिवार विशेष ही प्रभावित हो रहा है। यहाँ हम एक और उदाहरण देखें कि एक पड़ोसी के यहाँ पर पानी की निकासी इस प्रकार है, एग्जिट ऑफ वाटर इस प्रकार है कि वो वाटर जो है वो दूसरे के घर में आ जाता है, तो आए दिन उसके यहाँ पर पानी आ जाता है, या एग्जिट ऑफ लीव्स यानी मान लीजिए उसके यहाँ पेड़ है और पेड़ के सारे पत्ते जो है वो झड़कर पड़ोसी के आ जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का प्राइवेट न्यूसेंस है। और प्राइवेट न्यूसेंस के लिए आपको सिविल रेमेडीज ही मिलेंगी, क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल नहीं है, यानी आप पड़ोसी के खिलाफ
सिविल तरीके से जा सकते हैं, इसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होगी क्योंकि क्रिमिनल अपराध नहीं है। लेकिन पब्लिक न्यूसेंस जो है 268, पब्लिक न्यूसेंस एक अपराध भी माना जाता है। तो पब्लिक न्यूसेंस मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर पब्लिक वेज यानी जो लोक मार्ग है, उस लोक मार्ग को किसी व्यक्ति ने व्यवधान कर दिया, पूरा रोड यानी पूरा रोड जाम हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और आपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल होता है जैसे बालू रेती होती है या गिट्टी होती है, वो आपने सड़क पर ही बिछवा दी। अब सड़क पर बिछवाने से पूरा रोड ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस है। तो पब्लिक न्यूसेंस यानी पब्लिक रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। हाई वॉल्यूम म्यूजिक, यदि आप जोर से म्यूजिक बजा रहे हो और वो हाई वॉल्यूम म्यूजिक जो है वो पूरी लोकेलिटी में हर व्यक्ति परेशान हो रहा है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई मांगलिक काम है और आपने वहां पर DJ बजा रखा है और DJ की वजह से सभी को दिक्कतें हो रही है, तो ये लोक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। और लोक न्यूसेंस यदि होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आइए समझते हैं व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, क्या कानूनी उपाय है। ऐसी स्थिति में चूंकि मैंने आपको बताया लोक न्यूसेंस एक अपराध होता है, भारतीय दंड संहिता में इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये IPC में एक ऑफेंस है, इसके लिए सीधे कंप्लेंट दाखिल की जा सकती है। यानी क्षेत्र के पुलिस थाने में पूरी विवरण, घटना का विवरण करते हुए इमीडिएटली आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, डायल 100 पे पुलिस को कॉल कर सकते हैं, ये इमीडिएट रिलीफ है। इसके अलावा CRPC यानी हमारे देश का जो प्रोसीजरल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी सेक्शन 133 में भी ये बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठते हैं, वहां पर भी एक आवेदन दिया जा सकता है और वहां पे पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर भी जारी होते हैं। तो इस प्रकार से ये कानून में इसके लिए उपाय बताए गए। आई होप आप सभी को पब्लिक न्यूसेंस के बारे में समझ में आया होगा एंड यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।